नमस्कार दोस्तों, बोमिनो 27 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले टोयोटा रेव4 के बारे में। टोयोटा रेव4 भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान नजर आई है। यदि आपको इस एसयूवी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में यह कार काफी पॉपुलर है और यदि इसे भारत में लॉन्च कर दिया जाए तो जीप कंपास, ह्यूंडई ट्यूसन जैसी कारों को कड़ी टक्कर देगी। माना जा रहा है कि टोयोटा इस कार की भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट कर बेच सकती है। यहाँ केवल इसकी 2500 यूनिट्स की ही बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि नियमों के अनुसार प्रति वर्ष इंपोर्टेड गाड़ियों की केवल इतनी ही यूनिट बेची जा सकती है, जो कि सरकार ने इसकी अनुमति इतनी ही दी गई है। टोयोटा ने 2022 रेव4 हाइब्रिड वर्जन को यूएसए के मार्केट में उतारा है, जिसके बाद ये ग्लोबल में कई सारे मार्केट में उपलब्ध होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस एसयूवी को जल्दी से इंडियन मार्केट में भी लाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में आने वाली रेव4 की सारी रिवील हुई डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहले तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोयोटा रेव4 में मिलने वाले इंजन की। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा रेव4 हाइब्रिड पावर ट्रेन से लेस होगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 218 bhp का पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा की यह एसयूवी कई इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जिसमें से 2 लीटर पेट्रोल, 2.5 लीटर पेट्रोल और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा रेव4 में आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोयोटा रेव4 में मिलने वाले इंटीरियर की। टोयोटा रेव4 में आपको प्रीमियम क्वालिटी के लेदर सीट्स, सॉफ्ट ड्यूल टोन डैशबोर्ड, मूनरूफ, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स, क्रूज कंट्रोल, एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन विद स्मार्ट एंट्री सिस्टम, 8 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम, टच स्क्रीन सैटेलाइट नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे शानदार फीचर्स इस कार में आपको दिए जाएंगे। टोयोटा रेव4 के डायमेंशन की बात करें तो ऊंचाई में आपको 1.69 मीटर, चौड़ाई में 1.85 मीटर और लंबाई में 1.6 मीटर मिल जाएगी। इस एसयूवी में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। वही एसयूवी के व्हील बेस की बात करें तो आपको 2.69 मीटर का व्हील बेस मिल जाएगा। आपको बता दें कि टोयोटा रेव4 कंपनी के TNGA प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। इस कार के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें कंपनी की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, स्क्वायर ऑफ व्हील आर्क, क्रोम डोर हैंडल्स और 5 स्पॉक एलो व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस कार के पिछले हिस्से में कार की पूरी चौड़ाई का क्रोम और ट्विन एग्जॉस्ट पाइप सेट्स मिल जाता है। ऑल ओवर लुक की बात करें तो इस एसयूवी को स्पॉटी और दमदार लुक के साथ इंडियन मार्केट में पेश किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं टोयोटा रेव4 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों टोयोटा रेव4 को 2022 के अंत तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके प्राइस की बात करें तो तकरीबन 30 लाख से 35 लाख के बीच में रखी जाएगी। तो दोस्तों क्या यह एसयूवी इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो आप लेना पसंद करेंगे? आपके हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी ओर से आने वाली सभी ऑटोमोबाइल अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों थैंक यू अंत तक देखने के लिए।